Literally, मुझे तीन दिन नींद नहीं आई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बात सुनी थी सर आप बैंबू ट्री का बीज बोते हैं बीज बोने के बाद बड़ा जबरदस्त मेटाफर है उसके बाद क्या होता है पांच साल आपने उसको पानी देते रहना देते रहना देते रहना एक दिन छुट्टी नहीं कर सकते आप और वो एक सेंटीमीटर जमीन से बाहर नहीं आता यानी लिटरली सोचो इमेजिन करो आप मेहनत कर रहे हो मेहनत कर रहे हो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा पांच साल हो गए कोई रिजल्ट नहीं है लेकिन पांच साल के बाद क्या होता है अगले नौ हफ्ते के अंदर वो फुट जमीन से ग्रो करता है दैट्स द ब्यूटी क्या बैंबू के उस ट्री को ग्रो करने के लिए उस दरख्त को नौ हफ्ते लगे नहीं, नहीं। उसको पांच साल नौ हफ्ते लगे कितने ऐसे लोग होते हैं सर जो गिव अप कर देते हैं कि यार मैं कर रहा हूं कुछ नजर तो आ नहीं रहा कुछ मिल तो रहा नहीं है बंद करो ठीक है तो बंद कर देते हैं जब मौका इतना करीब होता है सर कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई चीज नहीं वाले किसी ने नहीं सुना यंग जनरेशन सुनती नहीं है लेकिन ये जब मारे खाते हैं ना तब समझ में आता है कि यार कितनी सही बात थी कोई इसको डिसिप्लिन कहता है कोई कंसिस्टेंसी कहता है बट सरकार लगे रहने से ही मिलता है लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे नतीजा मिल जाएगा लगे रहने से कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई चीज नहीं है सर यू तो ऐसे सुन जाएगा कौन